नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं नैनीताल की कुछ खास खबरें। बता दें कि लालगोवा गोलन खनन संघर्ष समिति के बैनर तले आज सैकड़ों वाहन स्वामियों ने ओवरलोडिंग निकासी बंद करने की मांग को लेकर मोटा हल्दो स्थित देवभूमि स्टोन क्रेशर के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इधर धरने की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभिनय चौधरी ने आंदोलनकारियों की समस्याओं को सुना और उन्हें कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपना धरना समाप्त किया। बताते चले कि पिछले 2 महीने से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन गोलन खनन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार गोला के खनन गेटों से 108 क्विंटल से अधिक खनिज निकासी करने वाला आदेश सीधे स्टोन स्वामियों को फायदा पहुँचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि पहले गोला नदी से 108 क्विंटल निकासी की जाती थी तथा 108 क्विंटल से अधिक निकासी करने वाले वाहनों की दूसरी दिन निकासी बंद कर दी जाती थी, लेकिन सरकार ने पुराने आदेश को खारिज कर दिया और नया आदेश कर दिया जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रेशर स्वामियों के इशारे पर मन माफिक खनिज निकालने की व्यवस्था की गई है जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्टोन क्रेशर स्वामियों से मिलकर वाहन स्वामियों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है स्टोन क्रेशरों की ओवरलोडिंग निकासी पूरी तरह बंद की जाए। अगर जल्द ही इस ओर कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलनकारी स्टोन क्रेशर से निकलने वाले ओवरलोड वाहनों को रोकेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इधर पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभिनय चौधरी ने कहा कि इस दौरान उन्हें आंदोलनकारियों से एक ज्ञापन मिला है जिस पर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्टोन स्वामियों के साथ एक बैठक की जाएगी और अपने उच्च अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुमाऊं स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के महामंत्री पप्पू तलवार जी के स्टोन क्रेशर का घेराव किया, जिसका कारण यह है कि इन्होंने 2 तारीख को हमने जब कुमाऊं स्टोन क्रेशर के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल के स्टोन क्रेशर का घेराव किया तो तब ये लोग उस समय वार्ता के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि हम 2 दिन के अंदर रेट तय कर देंगे, लेकिन जब कल हमें पता चला कि सुबह वन विभाग वन निगम के MD ने जो है गेटों पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसमें 108 से ऊपर जो निकासी हमारी बंद होती थी, गोला की जो गाड़ियां आती थी उसमें निकासी बंद नहीं होगी। उसमें आप कितना भी ले आओ 150, 200, 250 क्विंटल निकासी बंद नहीं होनी है। तो इससे हम लोग आक्रोशित हुए और हमने कल महामंत्री स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के यहाँ पुतला फूंका और यहाँ पर आज धरना दिया। देखो, गोला में जो भारत सरकार की अनुज्ञा है उसके अनुसार 108 क्विंटल माल निकलता था। आज क्रेशर वालों ने, क्रेशर एसोसिएशन ने शासन को एक पत्र लिखा कि हम आपके राजस्व को बढ़ोतरी करना चाहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने जो है 108 क्विंटल के बाद फ्री होल्ड करवा दिया है। तो उस फ्री होल्ड से क्या होना है, एक तो हर गेट पर जो है 600 से 1000 गाड़ियाँ हैं, तो अब वो 1000 गाड़ियाँ वो घर भर के बाहर ही निकल पाएंगी। दूसरा क्या है कि सिर्फ क्रेशर स्वामी ये सोच रहे हैं कि हम इनको रेट कम देंगे, वजन ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरा जो है सबसे बड़ा अराजकता का माहौल, ये चाह रहे हैं कि WR करके, क्योंकि कुछ हर गेटों पर 2-4-5 दबंग टाइप के लोग हैं जो कि अपनी दबंगई से जो है गाड़ियों को तत्काल भर के लेके आएंगे बाहर, 200-250 क्विंटल वो माल भी लाएंगे और उसके बाद दोबारा वो कांटे वालों से सेटिंग करके WR में भी माल लेके आएंगे। और जो बेचारे एक्चुअल में मोटर मालिक हैं या वाहन स्वामी हैं उन बेचारों की गाड़ियाँ भी नहीं भर पाएंगी। तो हम गोला खनन संघर्ष समिति इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और हम सरकार से मांग करते हैं 108 क्विंटल के बाद आप 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो पेनल्टी लगती है आप पेनल्टी लगा के उसको चलवाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम भी आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम भी गोला खोलना चाहते हैं, लेकिन जो ये क्रेशर एसोसिएशन इस प्रकार का माहौल बना रही है इसका पूर्ण जोर विरोध किया जाएगा। और आज तो हमने इनका गेट रोका है, अब फिर जो है कल हम किसी दूसरे का भी गेट रोकेंगे, हमारी मजबूरी है क्योंकि ये क्रेशर एसोसिएशन के महामंत्री हैं, इसीलिए इनका आज गेट रोका गया है। CO साहब ने कहा है कि मैं अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताऊंगा और आपकी जायज़ मांग है और आपकी जायज़ मांग पर जो है कार्रवाई होगी। और हम आपके मंच के माध्यम से क्रेशर वालों को बता देना चाह रहे हैं, आज तक तो हमने आपका पूरा सहयोग किया, चाहे रॉयल्टी के मामले में है, चाहे बाजपुर के अवैध खनन के मामले में है, क्योंकि हमारा ये मार्केट जीवित हो जाए इसके लिए हम आपके पूरे सहयोग के साथ थे। और चाहे आप कितना ही माल यहाँ से बेच रहे थे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन
अगर आप अब क्रेशर के अंदर से अगर माल बेचोगे तो गाड़ी के आरसी के अनुसार बेचोगे, अगर उससे अगर ज़्यादा माल होगा तो हम उन गाड़ियों को पकड़वाएंगे, आरटीओ को उन गाड़ी को सुपुर्दगी करवाएंगे, क्योंकि आपने हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश की है तो हम आपके पेट पर भी जरूर लात मारेंगे। गोला संघर्ष समिति का रॉयल्टी को लेकर काफ़ी दिनों से धरना चल रहा था, फिर आज इन्होंने जो है स्टोन क्रेशरों के खिलाफ भी मोर्चा खोल के यहाँ स्टोन क्रेशर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन किया, तो इनकी जितनी भी मांगे हैं उनका एक ज्ञापन ले लिया गया है और उसके उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी, और जो भी इनके द्वारा मांगे गई हैं जैसे कि इनकी ओवरलोड के द्वारा और जो कुछ एक्स्ट्रा जो अगर ओवरलोड लेके जाते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाए, इस तरह की कुछ कुछ इनकी मांगे हैं जिनको ज्ञापन लेके और जो है उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखा जाएगा, फिर जैसा निर्णय होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। इसमें जो भी स्टैंडर्ड SOP अभी तक बनी हुई है ये गोला खनन को लेके, तो उसके द्वारा उसके सहारे उन सबको बताया जाएगा और उन सबको चेतावनी दी जाएगी कि अगर कोई भी गैर कानूनी काम इस तरह से करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का तो देखो सेट स्टैंडर्ड है कि अगर कोई भी जितनी उसकी परमिशन है परमिशन से अगर ऊपर कोई भी लेके जाता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है, और इसी चीज़ को हम प्रोसेस में लाएंगे और वही चीज़ सबके लिए लागू भी है और लागू भी रहेगी आने वाले टाइम में।